नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं विक्रांत। पटना ट्रैफिक पुलिस को और हाईटेक बनाने के लिए एसएसपी ने एक नई कवायद शुरू की है। आपको बता दें कि कुल 17 मोटरसाइकिल को ट्रैफिक जवानों को दिया गया है, जिसमें कई हाईटेक मशीनें लगे हैं। आपको बताते चले कि भीड़ भाड़ इलाके में पुलिस की पहचान या उसकी गाड़ी की पहचान को लेकर काफ़ी समस्या होती थी, जिसको लेकर पटना पुलिस ने 17 बाइक को ट्रैफिक जवानों के हवाले किया और उसमें सायरन से लेकर वायरलेस तक सारे चीज़ उपलब्ध हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पटना पुलिस ने एक बेहतरीन कार्य को अंजाम दिया है। कालांतर में हर वक्त क्या कराई जाती रहती हैं, फोर व्हीलर्स और टू व्हीलर्स भी उसमें होते हैं, और पहले भी ऐसे टू व्हीलर्स हम लोग को उपलब्ध कराए जाते रहे हैं, लेकिन कालांतर में ऐसा पाया गया है कि जो टू व्हीलर्स होते हैं वो पब्लिक व्हीकल्स में खो जाते हैं, और कहीं भी गाड़ी लगी रहती है तो वो दृष्टिगोचर नहीं हो पाती है, पब्लिक को नहीं पता चल पाता, आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है कि ये पुलिस की गाड़ी है। एक पुलिस का स्टिकर मात्र लगा रहता है, जो कि आजकल तो प्राइवेट गाड़ी पे भी लोग लगा के चलते हैं। इसके स्वरूप हम लोग बदले हैं। बाकी मेट्रोज में भी ऐसी गाड़ियां हैं जिनका कलर कोडिंग कर दिया गया है, जो आम गाड़ियों से अलग दिखाई देती हैं, तो इससे कम से कम पुलिस का प्रेजेंस बढ़ेगा। और इन गाड़ियों पर हम लोगों ने बीकन लाइट भी लगाया है और PA सिस्टम की सुविधा भी दी है कि कहीं पर भी खड़ा होकर कोई एक दो सिपाही भी अनाउंस कर सकता है, पब्लिक को एड्रेस कर सकता है, और इसके अंदर साइरन भी है। ये तीन चीज़ें इसमें हम लोगों ने दी है। अभी फिलहाल हम लोग के पास 17 नई गाड़ियाँ आई हैं। हम लोग का प्रयास है कि पटना पुलिस में जो भी गाड़ी है, चाहे वो क्विक मोबाइल में हो, चाहे वो QRT में हो, या चाहे वो थाना में हो, जो सरकारी गाड़ियाँ हैं और वो चलने की स्थिति में हैं, अभी उनकी जीवन बची हुई है, तो उनको हम लोग स्वरूप बदलेंगे। इसमें कम से कम हर गाड़ी पर 10 से 12 हज़ार का इन्वेस्टमेंट है, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस को देखते हुए कि कोई पुरानी गाड़ी पर हम लोग खर्चा नहीं करना चाहेंगे, विजिबिलिटी बढ़े। जैसे आप लोग देखे होंगे कि पुलिस की जीप, पुलिस की सुमो गाड़ी जो होती है या कोई थाने की गाड़ी होती है, वो कहीं चौराहे पे खड़ी होती है तो पब्लिक को पता चल जाता है यहाँ पुलिस है। तो अब ऐसी अगर मोटरसाइकिल्स भी कहीं खड़ी दिखेगी तो पुलिस का प्रेजेंस विजिबल दिखाई देगा। अदरवाइज़ अभी हम लोग की जो गाड़ियाँ हैं, जो नॉर्मली ये गाड़ी थी वो ग्रे कलर की थी, जो नॉर्मल मार्केट में ग्रे कलर की अपाची चलती है वैसी ही दिखती, तो सिपाही बैठा रहता तो पहचान होता कि पुलिस की गाड़ी है, अदरवाइज़ नहीं पहचान हो पाता। आने वाले दिनों में इसकी संख्या कितनी करेंगे? हम लोग उद्देश्य ये है कि हम लोग जितनी गाड़ियाँ आएंगी, हम लोग इसमें खर्च ज़्यादा लग नहीं रहा है, इसका स्वरूप इसी तरह से बदल देंगे, जिस तरह से हमारा स्कॉर्पियो या जीप या सुमो गाड़ी दिखाई देता है, हमारा पुलिस का मोटरसाइकिल भी अलग दिखे, पब्लिक से अलग दिखे, और इसके अंदर टूल्स भी हैं पब्लिक को एड्रेस करने के लिए और रात में विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, हम लोगों ने इसमें साधन दिए हैं। अभी भी कई गाड़ियाँ सर पटना पुलिस के पास ऐसी हैं जो नीलामी में जाती है, क्या उन गाड़ियों को भी मॉडलाइज करके नीलामी में जाती है? मतलब सर जो थाने में लगी रहती है बाद में कई वर्षों के बाद नीलामी हो जाती है? नहीं नहीं, वो गाड़ी तो एक अलग प्रक्रिया है, हम लोग गाड़ियाँ मिलती हैं, पुलिस मुख्यालय हम लोग को देता है। ऐसे 17 मोटरसाइकिल हम लोग को अभी मिला, अभी आप लोग देखेंगे 6 हम लोगों को मारुति सुजुकी की अर्टिगा गाड़ी मिली थी, जिसमें हम लोगों ने दिया है, 2 ट्रैफिक को दिया, 4 थानों को दिया है, उसके अंदर भी हम लोग अलग उसको स्वरूप बदले हैं, लेकिन वो तो चूँकि दिखते ही पता चल जाता है कि ये पुलिस की गाड़ी है। मोटरसाइकिल्स में ये थोड़ा लिमिटेशन हो जाता है, पता चलने में कठिनाई होती है। हमारी बहुत सारे सिपाही रोड पे घूम रहे हैं, लेकिन वो प्राइवेट ड्यूटी कर रहे हैं, प्राइवेट कहीं जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं या ड्यूटी कर रहे हैं, इस गाड़ी के माध्यम से सब लोगों को स्पष्ट हो जाएगा, और चौराहे पे कहीं पुलिस की गाड़ी खड़ी होगी, मोटरसाइकिल खड़ी होगी, तो लोगों को दिखेगा कि यहाँ आसपास पुलिस है, लोग अप्रोच कर सकते हैं। बॉडी मॉर्मर कैमरा लगाने का भी अपने प्रस्ताव पुलिसकर्मियों को? हाँ, ये हम लोग एक बार डिस्कस किए हैं, चूँकि पटना में पुलिस का पब्लिक से बहुत ज़्यादा इंटरफेस रहता है, ट्रैफिक के माध्यम से भी, और पुलिस पेट्रोलिंग करती है और जाँच में भी जाती है, तो हमारे आरक्षी के बॉडी पर अगर एक बॉडी कैमरा रहेगा तो वो जहाँ पे भी अपना कर्तव्य निभा रहा है उस पूरे प्रकरण का रिकॉर्डिंग हो सकेगा, तो अन्यथा पब्लिक जो उलझती है पुलिस से या कानून व्यवस्था लागू करने में बाधा उत्पन्न करती है, उनके ऊपर भी एक रिस्ट्रिक्टिव हिंड्रेंस रहेगा कि सारी चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। कई बार ऐसी भी शिकायत आती है कि पुलिस की अपनी बदसलूकी होती है, कार्यशैली से इतर जाके वो काम करना चाहते हैं, उनके ऊपर भी एक पॉजिटिव रिस्ट्रिक्शन रहेगा कि अपने को जिम्मेवार तरीके से निर्वहन करेंगे। ये बाकी स्टेट्स में, बाकी मेट्रो सिटीज़ में बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है और अच्छा टूल है। हम पुलिस के पक्ष में भी एविडेंस कलेक्शन के लिए है, अपराधियों के खिलाफ एविडेंस कलेक्शन के लिए भी काफ़ी काम आता है। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, हमारी बात भी हुई है PHQ से, तो हम लोगों को मिलेगा ये, और ये प्रक्रिया में है और शीघ्र इसको मिलने की संभावना है। ये बाइक आज से ही चली जाएगी, हम लोग पहले फेज में ट्रैफिक में दे रहे हैं, बाकी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि थानों में कौन सी गाड़ियाँ हैं, क्विक मोबाइल में कौन सी गाड़ियाँ हैं और QRT में कौन सी गाड़ियाँ हैं, जो कि अभी हम लोग उसका रूपांतरण कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, उसको हम लोग प्रक्रिया में। वो हम रजिस्ट्रेशन में दिए हुए हैं, नंबर आ जाएगा। सर एरिया निर्धारित है कोई इन बाइकों के लिए? नहीं, अभी ट्रैफिक में हम लोगों ने दिया है, इन लोगों रेगुलेशन में और सेक्टर में इसको डालेंगे, ट्रैफिक में सेक्टर्स पहले से निर्धारित है। सहयोगी हीरा के साथ मैं विक्रांत, न्यूज़ PR पटना।